देवघर सरकार और जिला प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत देवघर प्रखंड में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे, जहां उपायुक्त नैंसी सहाय सहित जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी लोगों की फरियाद बारी बारी कर सुनी। फरियाद सुनने के बाद उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा, हर जरूरतमंद को लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने लोगों से अपील किया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया है, अपनी अपनी समस्या को लेकर आवेदन जमा करें, सत्यापन के बाद जल्द लोगों को लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर किसानों को पंप सेट, साथ ही विकलांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। सरकार आपके द्वार के अंतर्गत ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है जिले में और आज ये देवघर प्रखंड के मुख्यालय में किया गया है और हर बार की तरह आज भी सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिले के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं हमारे साथ और उद्देश्य यही है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग सुने। मैक्सिमम जैसे पिछले दो जनता दरबारों में भी देखा गया, लोगों की समस्याएं ज़्यादातर पेंशन, राशन, प्रधानमंत्री आवास, इन सब से जुड़ी है और सभी आवेदन हम लोगों ने लिए हैं और जिले स्तर पर हम लोग वेरिफिकेशन और सत्यापन का कार्य कर रहे हैं ताकि हम लोग जो छूटे हुए लाभुक हैं पेंशन और राशन या जिनका नाम जोड़ना है उनको हम लोग जल्द से जल्द जोड़ सकें। एक और जो संभावना है कि राज्य सरकार की तरफ से और कोटा देने की बात है राशन कार्ड के लिए भी और पेंशन के लिए भी, तो संभवतः एक से डेढ़ महीने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीडीएस से जोड़ पाएंगे और पेंशन की भी योजनाओं से जोड़ पाएंगे। सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित